हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मकर संक्रांति का पोस्टर इस तरह कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में पोस्टर रिलेटिव हर एक वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका नाम है पिक्सलैब। हम पिक्सलैब को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो अब वहां से डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों जब पिक्सलैब को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको ओपन कीजिएगा, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो ये न्यू टैक्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, ऊपर डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो यहाँ देखिए वो डिलीट हो गया। उसके बाद ये ऊपर जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए बीच में जो है इमेज साइज का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। तो वी तो जो है 1280 वो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ जो है 1000 रखेंगे। उसके बाद इसमें ओके करेंगे, तो ये हो गया। उसके बाद दोस्तों जो बैकग्राउंड बना के रखे हैं उसको लाएंगे, तो उसको लाने के लिए नीचे दो तरह का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, तो यहाँ देखिए फॉर्म गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जो है बैकग्राउंड ले लेते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों बैकग्राउंड आ गया है। उसके बाद लिखना है, तो लिखने के लिए ये नीचे जो ए का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद साइड में जो प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। तो ये न्यू टैक्स को डिलीट कर देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों लिख दिए। उसके बाद साइड में ओके का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें जो है साइज बढ़ाएंगे और कलर देंगे, तो देने के लिए ए को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे, तो यहाँ से जो है साइज बढ़ा देते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर दे देंगे, तो जैसा भी कलर हो। तो फिलहाल हम जो है येलो रखेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। यहाँ से बॉल कर देते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। तो ये हो गया दोस्तों। और उसी तरह जो है सारा प्रोसेस को लिख देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों सारा प्रोसेस को लिख दिए हैं। लिखने के बाद अब लाएंगे फ़ोटो। तो फोटो लाने के लिए ऊपर जो प्लस का आइकन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जो फॉर्म गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। तो यहाँ से जो है फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, इसको अच्छा से सेट कर देंगे। तो ये हो गया दोस्तों। उसके बाद फ़ोटो का जो नीचे से धुंधला करना है, तो करने के लिए पहले फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल करते हुए जाएंगे। तो यहाँ देखिए देख सकते हैं कि नीचे इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है, उसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद साइज थोड़ा बड़ा कर देंगे, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों फ़ोटो का जो है नीचे से धुंधला हो गया। उसके बाद अब लाएंगे जो मकर संक्रांति का सामग्री डाउनलोड किए हैं PNG, उसको लाएंगे। तो लाने के लिए फिर से प्लस आइकन में क्लिक करेंगे, फॉर्म गैलरी में जाएंगे, तो यहाँ से जो है ले लेते हैं। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, अच्छा सेट कर देंगे यहाँ। ये हो गया तो दोस्तों मेरा पोस्टर जो है फाइनल हो गया है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं एवं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।